जैसा कि देख पा रहे होंगे लीव पीटियोलेटेड टाइप है, मीन्स स्टेम के साथ में जॉइंट है। ठीक है, साइड ब्रांचेस सिलेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि ये जो आप देख पा रहे हैं ये फुली मोस्टली डेवलप्ड है। ठीक है, इसमें फ्लावरिंग हमको ठीक से मिलेगा भी नहीं और अटैक भी हो चुका है। तो ख्याल क्या रखना है, जितने भी ये सब हैं साइड हटा दो। ठीक है, जितने भी सिलिकुआ बन रहे हैं इट शुड बी रिमूव। ओपन फ्लावर है, उसको लेना है ना इमस्कुलेशन, इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि कंटामिनेट ना हो। और इस फ्लावर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टाइल। ठीक है, इसलिए सिलिकुआ जितने भी हैं उनको हटाया और जितने भी ओपन फ्लावर हैं उनको हटाओ। ठीक है, एक भी ओपन फ्लावर नहीं दिखना चाहिए। मतलब ओपन फ्लावर सिलिकुआ, सिलिकुआ मतलब उसका ये अच्छा ये डेवलप हो रहा है जो फ्रूट। ठीक है, उसके बाद जो भी मतलब कि डाउट्स है ना जिनमें लग रहा है फ्लावर, ठीक है हटा दो, कोई भी डाउट मत रखो। अब ये जो बर्ड है ना जो जस्ट कल खुलने की स्टेज में है, इमेच्योर है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये जितने भी इमेच्योर हैं उनका कोई मतलब नहीं है। और एक ब्रांच में हम लोग 5 से 7 रखने का कोशिश करते हैं। उससे ज़्यादा क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि है ना सबका डेवलपमेंट ज़रूरी है ना, अगर ज़्यादा ले लेंगे तो फिर वही कंडीशन होगी, एक रूम में 10 आदमी कोई भी नहीं सो पाएगा ठीक से। ये बहुत पार हो चुकी है। ठीक है, ये एफिड का अटैक होना ही नहीं चाहिए। ठीक, एक एक करके इसको ब्रेक करो। ठीक है, और ख्याल क्या रखना है, इतना नहीं ऐसे ही नहीं कर देना, एकदम धीरे से एकदम टच करके उसको हल्का सा चला दोगे फ्लावर अपने आप ये पेटल्स और सेपल दिखने लग जाएंगे। कितने सेपल और कितने पेटल है? 4 पेटल 4 सेपल। ये देखिए यहाँ पे है ना, जब मैं एंथर को निकाल रहा हूँ तो ऐसा कंडीशन नहीं है जो पल्सेस में है ना, जस्ट है ना निडल पे या फिर है ना फोरसेप पे पोलन लग जा रहे थे। ठीक है, एंथर बस्ट होने से पहले इमेस्कुलेशन करना जरूरी है। इमेस्कुलेशन कब करते हैं, टाइमिंग पूरा इस तरीके से कंडीशन क्रिएट करना होगा। सेपल पेटल ही निकाल देने होंगे क्योंकि है ना छोटा है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं था और वो जो पी था उसमें एक बैगिंग का काम कर रहा था। ठीक है, इसमें बैगिंग करेंगे तो बटर पेपर का यूज करना पड़ेगा। और इमेस्कुलेट करने के बाद इस कंडीशन में स्टिग्मा जो होता है वो 3 से 4 दिन तक रिसेप्टिव रहता है, उसको पोलन मिलेंगे तो वो फर्टिलाइज कर जाएगा। आफ्टर इमेस्कुलेशन जो फीमेल गाइनोशियम दिख रहा है ट्यूब लाइक, एकदम है ना नज़दीक से देखिए इसका स्टिग्मा एकदम राउंडेड टाइप ऊपर से। हाँ। ठीक है, ऐसे ही ये बाकी के वर्ड्स करेंगे और बाकी के वर्ड्स करने के बाद इसको मैं इसको क्रॉसिंग कराने के बाद जब ये पॉड बनेगा हाँ। तो बैग तो पहना दे रहा हूँ। हाँ। पता कैसे करूँगा कि है ना ये क्रॉसिंग वाला मटेरियल है या फिर और कुछ है, क्योंकि मैं 6-7 बर्ड को यूज कर रहा हूँ ना, तो हमारा ऊपर तो जो 6-7 बनेंगे और बैग को मैं सबको पहनाऊंगा, बैग यहाँ तक भी जाएगा। हाँ। और यहाँ पे क्या है, क्या था, सिलिकुआ थे ये लग रहे हैं, ये इनडिटर्मिनेट टाइप फ्लावरिंग है, सिलिकुआ भी फॉर्म हो रहा है साथ में फ्लावरिंग भी चल रही है, मतलब पॉड फॉर्मेशन विथ फ्लावरिंग इनडिटर्मिनेट टाइप, तो ये क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसमें कम से कम है ना 10-12 सीड होंगे और नेक्स्ट जनरेशन में जब हम लगाएंगे ना
तो हम केवल वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी करेंगे, क्योंकि कुछ ही हम मिलने वाला है नहीं, ठीक है। इसलिए जितने भी पॉड, जितने भी सिलिकुआ, जितने भी फ्लावर है ओपन, वो सब रिमूव करना होता है। ओनली जस्ट खुलने वाली कंडीशन में जो बड है इंडिकेशन, जस्ट खुलने वाला सेकंड में, जैसे ये कल खुल जाएगा ये, ठीक है, ठीक। रिमूव करने के बाद ये पांच से ये छह जो है वो बड रखेंगे, जितना भी इमेच्योर वर्ड है उनको हटा देंगे, क्योंकि है ना हमें जिसका इमेस्कुलेशन किया है वही ज़रूरत है। अगर इमेच्योर वर्ड को भी अगर हम लोग रखेंगे तो वो एक समय आने पर खुद खुलेंगे, वो खुद सिलुका बनाएंगे, तो फिर हम फिर डाउट में चले जाएंगे कि है ना हमने जो पॉलिनेशन किया था किस में किया था, कौन सा हमारा पॉलिनेटेड है, ठीक है। तो डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए है ना इमेच्योर और जो मैच्योर हैं फ्लावर हैं सबको हटाओ, ठीक है। ओनली वही रहेगा जो इमेस्कुलेटेड किया जाएगा। इमेस्कुलेटेड करने के बाद फ्लावर होता है, बैग डिपेंड करता है साइज पे, वाटर पेपर का होता है उसको, है ना आराम से पहना दो, ठीक है। और जैसा है ना उस समय बताया था कि एकदम है ना अपर टिप पे नहीं ले जाना होता है, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जो आप ये देख रहे हैं अपर टिप पे लगेगा डैमेज, शायद डैमेज हो जाए, और यही इम्पोर्टेंट है। सवेरे आकर के पता चला है कि हमें जो इमेस्कुलेट किया था वही नहीं मिला, फिर हम पॉलिनेशन भी नहीं कर पाएंगे और इमेस्कुलेशन का जो एक दिन था वो भी गया। तो टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो बैगिंग करने के बाद सबको इमेस्कुलेट करेंगे ये, ठीक है। मैंने ये एक दो को कराया अभी, सबको करने के बाद इसको इस तरीके से लगा करके यहाँ से क्लिप स्टेपलर, नहीं स्टेपलर मारेंगे तो फिर क्या होगा, फिर स्टेपलर को खोलो, नहीं दिक्कत नहीं है, स्टेपलर आप मारो फिर खोलो, तो सवेरे खोलने में तो क्या होगा, क्लिप होगा तो तुरंत निकालो। इसको निकालने के बाद जो फीमेल वो मेल वाला जो है उसको पॉलिनेट कराओ। अभी ये बात हो गया किसका, फीमेल जिसका यूज कर रहे हैं फीमेल फ्लावर के लिए, ठीक है, फीमेल का बात हो गया। पॉलिनेशन पकड़ेंगे वो हम आफ्टर 2 PM और डिपेंड ऑन वेदर, जैसे कि आज का वेदर अगर आप बोलें कि 12 बजे की बात करें तो करो 12 बजे के बाद, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर में पोलिन की वायबिलिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वो है ना इस सनलाइट में आते हैं डैमेज हो जाते हैं। ये तो हो गया, मॉर्निंग में नहीं कर सकते क्या इमेस्कुलेशन, मॉर्निंग में इसलिए नहीं कर सकते कि मॉर्निंग में है ना एंथर भी अपना काम शुरू कर देता है, वही तो कह रहा हूँ एंथर से शुरू हो जाता है मॉर्निंग में, और जब इवनिंग का टाइम जैसे ही आना शुरू होता है वैसे ही पोलन अपने इनएक्टिव हो जाते हैं। टेम्परेचर पर डिपेंड होता है ये एंथेसिस इन केस ऑफ सीरियल और मस्टर्ड के केस में, ठीक है। अगर टेम्परेचर ठीक रहेगा तो एंथर बाहर निकलेंगे। आप है ना बीट में अगर है ना 7 बजे आओ 8 बजे आओ तब एक बार जाकर के फील्ड पे देखना, उसमें स्पाइकलेट राइस में अच्छे से वैसे दिखाई देता है, लेकिन इसमें है ना स्पाइकलेट एक सडन पीरियड के लिए ही खुलता है और बंद हो जाता है तुरंत, उसमें थोड़ी देर कम से कम 5 मिनट खुला भी रहता है, तो आप देख पाएंगे कि है ना जैसे ये टेम्परेचर धीरे धीरे सुबह से धीरे धीरे बढ़ता है ना, 7 के बाद 8 जैसे ही बजते हैं वैसे वो धीरे से खुलता है, मतलब कि एक प्रेशर क्रिएट होता है, एंथर प्रेशर क्रिएट करते हैं फिलामेंट एंथर जितनी भी हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो उसी से वो स्पैकलेट खुल जाता है, और इस स्टेज से पहले वो पॉलिनेट कर चुके होंगे इसलिए सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। पॉलिनेशन के बाद वो खुलते हैं, ऐसा ही केस इसमें भी है, जब वो बर्ड खुल रहा है ना तो वो पॉलिनेट कर चुका है। या तो आप है ना फोरसेप के, और फोरसेप हमेशा स्टेराइल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है, बार बार स्टेराइल करना होता है पॉलिनेशन इमेस्कुलेशन के समय कि प्रॉब्लम ना हो। दिखाई दे रहा है
ऐसे ही डस्ट कर। देख तो लो, दिख रहा है? यस सर। हाथ में दिख रहा है? यस सर। ये पोलन है, ठीक है, इन्हीं की जरूरत है। अब ये है? नहीं दिख रहा है। दिस इज पोलन, बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एंथर है वो स्टिक माप है, टच करा दो ठीक से, ठीक है, पीला दिखेगा। या तो फिर ये फ्लावर जो है उसको से रब करेंगे, ठीक से रबिंग करा दो, ठीक है, पीला दिखेगा। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे येलो हो गया है, ऊपर एंथर लग चुके हैं। और ज़्यादा लगा दो, लेकिन कम मत करो, कम से प्रॉब्लम होगा। एक सडन अमाउंट होना चाहिए पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है ना। इसको कराने के बाद ये येलो हो गया, ठीक। फिर बैगिंग लेंगे, जो बैग था उसको बैग कर देंगे फिर से, देख फिर से जैसा था बैग कर दो। इसका कोई काम नहीं है, अब तो हटा दो, इसको पीन, ठीक है। और अब इसको परमानेंटली क्लिप मार दो, केयरली करना होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। जैसे जैसे आपका हाथ का एक्सपीरियंस बढ़ेगा करने में, आप वैसे सीखेंगे, फर्स्ट टाइम में टूट भी जाएंगे, ठीक है, डैमेज हो चीज़ें। क्लिप कर दिया जी। अब क्लिप करने के बाद इस पर है ना टैगिंग, टैगिंग हम लोग उसी समय से यूज करना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकल में किसी ने भी ठीक से टैग किया था? पल्सेस के केस में क्या किया है, ठीक है। अगर ये मान के चलो कि बारिश हो गया तो ये भीग कर के टूट के गिर भी सकता है, ठीक है। तो टैगिंग में हम लोग है ना फर्स्ट जब इमेस्कुलेट कर देते हैं तो उस समय हम जो मेल फीमेल वैरायटी है जिसका इमेस्कुलेट किया है उसका नाम, डेट इमेस्कुलेट कब किया है, टाइमिंग, क्योंकि कुछ टाइमिंग आप 2 बजे कर रहे होंगे, कुछ 5 बजे कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो टाइमिंग, ये तीन चीज़ लिख करके टैगिंग करके इमेस्कुलेट करके लगा दिया जाता है। उसके बाद फिर सेकंड डे हम आते हैं वहाँ से करेंगे पॉलिनेट कराएंगे, पॉलिनेट कराएंगे। टैगिंग जो बचा हुआ है, आप टैगिंग क्या क्या करेंगे इस पर, टैग पे और क्या लिखना है, आप मेल वैरायटी का नाम, पॉलिनेशन का टाइम जो कि कब से शुरू हो रहा है, सवेरे से लेकर के 10 डिपेंड ऑन वेदर। फिर अगर थोड़ा क्लाउडी रीजन है तो आप 11 बजे भी ले जाओ उसको, ठीक है। ये सब बातें, पूरा टैग कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7 दिन वेट करो, इस पर ऐसा ही निकल जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा और ऑल पेटल्स जो हैं, सेपल जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि ये पहले से पॉलिनेट हो चुका है, सेल पॉलिनेटेड है, लेकिन कंडीशन में बता रहा हूँ, आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन ये कंडीशन बनना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे स्टिग्मा वाला पार्ट ड्राई होना शुरू हो जाएगा। पहले पेटल्स सेपल ड्राई होंगे, फिर स्टिग्मा वाला पार्ट ड्राई होंगे। समझ में आया? ये है मेथड इसका।